हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल गाइस। कैसे जा रही है सबकी पूजा वगैरह? और कितने कितने फास्ट रखे हैं? सारे फास्ट रखे हैं या स्टार्टिंग का एक, लास्ट का एक, या लास्ट के दो, ऐसे ही रखते ना? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसने कितने फास्ट रखे हैं और क्या खा रहे हो आप लोग। मैंने तो नहीं रखे हैं, हम लोग नहीं करते एक्चुअली, मतलब क्योंकि एक तो मुझे, हम लोग अकेले रहते हैं, हमें करना नहीं आता। और जैसे मैंने ब्लॉग में बताया कि दिल से चीज़ें करनी चाहिए, इन चीज़ों से भगवान ऐसा कुछ नहीं है, खास नहीं, कुछ अलग नहीं हो जाएगा, लेकिन भगवान कुछ ज़्यादा खुश नहीं हो जाएंगे। लोगों की मदद करो, जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनकी हेल्प करो, दिल से भगवान को मानो, इतना ही बहुत होता है। तो मुझे इन चीज़ों में बिलीव है, इसलिए मैं वैसे भी नहीं करती हूँ। और रही बात फास्ट की, फास्ट मैं पहले रखती थी क्योंकि फास्ट से ये होता था मैं पतली हो जाऊँगी या कुछ हो जाएगा और अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, तो इस वजह से मैं पहले फास्ट रख लेती थी। बट अब वैसे ही मुझे, मतलब बनाने में इतना होता है, मुझसे वैसे ही नहीं खाया जाता, और फास्ट में तो मैं और चक्कर खा के गिर जाऊँगी क्योंकि मैं वैसे ही कुछ बना के खाती नहीं हूँ, तो फास्ट में तो क्या ही खाऊँगी। एनीवेज, आप लोग मुझे बताना कि कैसी जा रही है आप सबकी पूजा वगैरह, क्या क्या फास्ट रखे हैं, कितने कितने फास्ट रखे हैं, सब कुछ बताना। और मैं देख रही हूँ आजकल सभी ना नवरात्रि व्लॉग बना रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना बना लूँ। और आज मैं करने वाली हूँ नवरात्रि लुक क्रिएट, जो पता नहीं कैसे, जो भी मेरे पास सामान होगा घर पे, लाइक मेरे पास आउटफिट तो कोई नहीं है, घर में ही कोई कपड़े वपड़े निकाल के मैंने आउटफिट बना लेना है अपने लिए। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, कपड़े तो मुझे तब मिलेंगे ना जब मैंने कपड़े अपने संभाले होंगे। मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था ना, शायद से डे वन और डे टू व्लॉग में ही मैंने शायद बताया था कि मुझे अपनी अलमारियाँ साफ करनी ही करनी है, और तब भी मैंने नहीं करी और अभी तक वो साफ़ नहीं हुई है। ऊपर से मैं दिखाती हूँ मैंने क्या गंद मचा के रखा हुआ घर में। ये देखो, ये मैंने कल सरोजनगर हॉल बनाया था ना, तो ये उसके कपड़े अभी तक वैसे ही पड़े हैं, और ये देखो ये फैले पड़े हैं बाहर भी, और अलमारी की हालत फिर से वैसी ही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें मैं क्या ढूंढूं, क्या मिलेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। वैसे मेरे पास साड़ी वगैरह है, लेकिन मेरे पास ना इसका वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, पेटीकोट वगैरह नहीं है, किसी के ब्लाउजेज नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको पहनने का। बाकी देखते हैं अब क्या ही मिलेगा मुझे। सो चलो मैं ढूंढ लेती हूँ कुछ पहनने के लिए, क्या मिलता है क्या नहीं, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, कड़ी मेहनत के बाद मैंने ये स्कर्ट, ये मैंने ना कल हॉल वीडियो में दिखाई थी आपको, ये स्कर्ट पहनने वाली हूँ। मतलब ब्लैक कलर की स्कर्ट तो किसी के साथ भी चल जाएगी, तो मुझे लग रहा है ये परफेक्ट रहेगा आउटफिट के लिए। एक ये, और साथ में मुझे मिल गया एक ब्लैक कलर का टॉप, लाइक ये ब्लाउज का काम करेगा। ये पता नहीं क्यों लाइट आ रही है, धूप पड़ रही है, ये ब्लाउज का काम करेगा। और उसके ऊपर हम लोग कोई हैवी दुपट्टा वगैरह ढूंढ लेंगे, किसी भी सूट का, किसी भी लहंगे का, तो हम लोग करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। ठीक है, मैं ये पहन के आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, मैंने आउटफिट पहन लिया, ये स्कर्ट और ये टॉप, और मैंने ना थोड़ा थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया है। अब इसके ऊपर देखते हैं कि चुन्नी कौन सी ले सकते हैं। मेरे पास दो तीन ऑप्शन है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। पहला तो है ये गोल्डन, और ये ना मुझे बहुत चुभती है यार, ये वाली बहुत हैवी दुपट्टा है ये, हम लोग इसको कर सकते हैं। ऐसे करके आई होप आपको दिख रहा हो, नहीं तो मैं साइड पे वीडियो लगा दूंगी। चुनिए आप कैसे भी स्टाइल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने ऐसे किया है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा, ये नवरात्रि लुक नहीं लग रही है। लाइक गरबा खेलने जाऊंगी मैं ऐसे, दुपट्टा जमाते जमाते पागल हो जाऊंगी। दूसरा देखते हैं, ये वाला नहीं। ओके, तो मेरे पास एक ये वाली चुनी है, ये अभी तक ना मैंने इसका सूट सिलवाया ही नहीं है, ये एक तरह से नया ही है, अभी पहली बार ये मैं लेने वाली हूँ। और मुझे लग रहा है कि जैसे ये पॉप ऑफ कलर है ना इसका, एक ब्राइट सा, तो ये अच्छा जाएगा। सो हम इसको स्टाइल कर सकते हैं, चुन्नी आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी स्टाइल कर सकते हो, मैं तो ऐसे बांध रही हूँ इजी पीजी। और इसको पीछे से सेम जगह पे रखेट कर दो। आप लोग इसको सेफ्टी पिन से भी अच्छे से कर सकते हो ताकि खुले ना, मैं तो सिर्फ वीडियो ही बना रही हूँ तो मैं नहीं करूँगी। सो हाँ, ये अच्छा लग रहा है ना, आपको मिरर में पीछे दिख रहा होगा बैक से, और ऐसे सो मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है। अब इसको एक्सेसराइज करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने बाल बांधूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है कि इस पर बन ही सूट करेगा, खुले बाल हमेशा अच्छे नहीं लगते हैं। सो मैं बन बनाने वाली हूँ, सिंपल सा, लाइक पोनी करके
आगे से थोड़ी से वो निकाल देते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। रफली करना है ये सब, मेरे को पसीने आ रहे हैं, देखो मेरे बाल सारे ऐसे हो गए अजीब से। और टाई कर लो, सिंपली पोनी बनाई है मैंने। उसके बाद मेरे पास ये ना पड़ा हुआ एक आर्टिफिशियल गजरा कहते हैं इसको, लाइक ये रबर बैंड नहीं होता है वैसा है, तो इसको हम लगाएंगे उलझ के आने को। हाँ देखो ये खुल गया, अब हम लोग सिंपली इसका जैसे हम नॉर्मली बन बनाते हैं वैसे बन बनाएंगे और इसको लगा देंगे। बस गाइस मेरे पास हैं ये वाली बालियाँ, ये पहनने वाली हूँ मैं। मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे बहुत पसंद है इयररिंग्स डालना, स्पेशली सिल्वर ज्वेलरी, अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद मैं पहनने वाली हूँ ये, क्योंकि जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है ना, लाइक इसमें पूरा जैसे वो लहंगा चोली डाल के बहुत अच्छे से एक्सेसराइज करके बहुत सुंदर से बन के जाते हैं लोग, तो मुझे भी शौक सा आ रहा है मैं पहनूँ। लुकिंग नाइस ना, अच्छा लग रहा है। और हाथों के लिए इस हाथ में तो मैं कुछ नहीं डालूंगी, ये सिंपल सा ये ब्लैक कलर का मेरे पास है, इसको ही डाल लेते हैं, क्योंकि इस हाथ में ना ऐसे अगर हम चुनी रखेंगे तो अड़ेगा। और ये मैंने नैनीताल से लिया था फॉर रुपीज़ 100, सो हम ये पहन लेंगे इस हाथ में। क्या हो, कैसे पहनते हैं इसको ऐसे? हाँ ऐसे पहन लेंगे, सिया। अब हो गया, आई गेस दैट्स इट, है ना। बिंदी लगा ली जाए क्या? रुको मैं बिंदी लेके आती हूँ, बिंदी 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 को। ओके बिंदी भी आ गई है, वैसे मेरे पिंपल हुआ है तो मुझे लग नहीं रहा नीड है। यस दैट्स इट गाइस, मुझे ना ये रिंग भी मिल गई है ब्लैक कलर की, मुझे लग रहा है ये अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने मेरा आउटफिट ब्लैक है ना, तो मैं इसको भी पहन रही हूँ। अगर मेरे नेल्स हुए होते ना तो बहुत अच्छा लगता। कोई नहीं, मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं नेल्स करवाने जाऊँगी शायद कल परसों तक। सो यार अब कोई स्लिप स्लीपर आ गई, मैं स्लीपर लेके आती हूँ। सो गाइस जूती के लिए मैंने लेके आई हूँ ये ब्लैक और रेड कलर की जूती, ये मैंने ना स्पेशली इसी सूट के लिए ली थी, ये मैंने दोनों अमृतसर से लिया था सूट भी और ये भी। इसके साथ अभी मैंने सूट तो सिलवाया नहीं बट ये काम आ गई, बिल्कुल मैच हो रही है। सो या ये पहनने वाली हूँ मैं, इसके नीचे वैसे दिखेगी नहीं क्योंकि मेरा जो स्कर्ट है ना बहुत लंबा है, बट हाँ जब ऐसे घूमोगे वो करोगे गरबा करोगे तो ऑब्वियसली दिखेगी, तो अच्छे लगने चाहिए ना। सो ये पहनते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ ना पूरा। अच्छा अच्छा कॉन्टेंट जो भी मैंने सोचा हुआ ना